नागरिकता संशोधन कानून को लेकर नीमच में आज भाजपा की प्रेस वार्ता आनंद मंगल भवन पर संपन्न हुई, जहां इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए प्रदेश महामंत्री बंसीलाल गुर्जर नीमच पहुंचे और भाजपा जिलाध्यक्ष हेमंत हरित, विधायक दिलीप सिंह परिहार, जावत विधायक ओम प्रकाश सकलेचा की उपस्थिति में प्रदेश महामंत्री बंसीलाल गुर्जर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए नागरिकता संशोधन कानून को जनहित में बताया और इस मौके पर विपक्ष पर तीखा निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सहित विपक्ष वोट बैंक हासिल करने के लिए जनता को गुमराह कर रहा है, जबकि नागरिकता संशोधन कानून तो किसी भी को भी नागरिकता देने का कानून है, न कि किसी की नागरिकता छीनने का कानून। जानबूझकर सीए कानून को लेकर मुस्लिम समाज को गुमराह किया जा रहा है और भ्रम पैदा किया जा रहा है, साथ ही देश में अशांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। आज हमने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर के प्रेस की है। मुख्य रूप से भारत सरकार ने जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है उसको 12 दिसंबर को लागू किया है और ये धार्मिक रूप से जो प्रताड़ित और पीड़ित लोग हैं अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के और बांग्लादेश के, उनके हितों का संरक्षण करने के लिए इस कानून को लाया गया है। इस कानून में प्रावधान किया गया है कि 31 दिसंबर 2014 से पूर्व हिंदू, सिख, जैन, फारसी और ईसाई और बौद्ध इन 6 धर्मों के लोग जो भारत में शरणार्थी के रूप में आए थे उनको नागरिकता देने का काम ये कानून करेगा।